दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 32x42 हाउस डिज़ाइन की। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा होगा, हम थंबनेल इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पर डबल और ट्रिपल स्टोरी हाउस प्लान है। ग्राउंड फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर को मैंने डिज़ाइन किया है और ये मॉडल बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, वो लगातार कमेंट कर रहे थे कि मुझे 3 स्टोरी हाउस डिज़ाइन चाहिए, तो उन्हीं के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हीं के कहने पर इस मॉडल को डिज़ाइन किया है। तो आज का जो प्लान होने वाला है बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, तो आप वीडियो पूरा देखते रहिए। और अभी तक आपने इस मॉडल प्लान को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के मॉडल को। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूँ, देख सकते हैं स्क्रीन पर ये पूरा मॉडल ओवरऑल आपके सामने मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, जिसको कि मैंने डबल स्टोरी में डिज़ाइन किया है। तो ये पूरा देखिएगा मॉडल, पहले आप प्रॉपर तरीके से देख लीजिए इसका पोर्च वगैरह, इसका क्या ग्रिल, कैसा ग्रिल लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी डिज़ाइन मैंने यहाँ पर क्रिएट करके आपके सामने रखी है, और ये फिलहाल साइड से और बगल में ज़्यादातर क्लोज्ड ही है, सिर्फ फ्रंट और साइड में थोड़ा सा ओपन है। तो देखिएगा पूरा ग्रिल, आप मकान देखिएगा पूरा ओवरऑल। अब बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ग्राउंड फ्लोर पर आप जैसे आते हैं तो ये देखिएगा एक बारंदा, और ये आप ऊपर आपको ग्रास मिल जाती है, इधर एक विंडो और इधर वेंटिलेशन। तो इसके बाद ये बारंदे से ही सारी एंट्री आपकी होने वाली है। बारंदे से देखिए मेन एंट्री आपकी इस डोर से होने वाली है, और ये 2 विंडो लगी है, इसके लिए मैं कलर थोड़ा सा हट के दे दिया। और इधर का एक आपका बेडरूम है, इसमें मैंने डोर दिया इसको एक्सेस करने के लिए, और अंदर से भी मैंने एक डोर दिया है। इसका जैसे आप अंदर पहुँचते हैं तो ये बड़ा सा आंगन, और इधर देखिए लगातार 2 कमरे और पीछे हैं, एक फ्रंट में जिसे गेस्ट रूम बना सकते हैं। इसके बाद जस्ट लगातार 2 कमरे आपको और मिल जाते हैं, बेडरूम्स अलग अलग डोर विंडो दिया है, और वहीं पर इसके बाद इधर की बात करें इधर भी आपको लगातार 2 कमरे मिल जाते हैं, इसके लिए अटैच्ड लेटेंट बाथ मैंने यहाँ पर एक और दे रखा। आप देख सकते हैं इसका ये स्टेयर जिससे आप ऊपर जाएंगे उसके नीचे लेटेंट बाथ मैंने दिया है। और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका पूरा किचन का पोर्शन है दोस्तों, ये आपका किचन का डिज़ाइन है, इसलिए मैंने यहाँ पर दिया है एक विंडो और इधर सामने भी वेंटिलेशन दिया है। तो यहाँ पर अगर हम इस घर में बात करें कमरों की, तो 5 बेडरूम है, 5 बेडरूम हाउस डिज़ाइन है, बीच में बड़ा सा आंगन भी है, लेटेंट बाथ 2 मिल जाते हैं, किचन बड़ा सा मिल जाता है, बारंदा और फ्रंट एलिवेशन भी आपको अच्छा देखने को मिलता है। वहीं बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं तो ये देखिएगा आपका ये 3 बेडरूम बिल्कुल सेम वही है, लेटेंट बाथ सेम है, और यहाँ पर जो 2 बेडरूम थे यहाँ सिंगल कर दिया, इसको आप डबल कर सकते हैं, सेम वही प्लान रहेगा। और यहाँ पर भी ये देखिएगा बारंदे को मैंने, ये जो बारंदा था इसको मैंने एज ए ग्रिल में कन्वर्ट कर दिया है, और किचन एरिया को भी हटाकर ग्रिल में कन्वर्ट कर दिया है। मैं बात करें लास्ट फ्लोर की, तो ये पूरा लास्ट फ्लोर आपका छत है, सिर्फ गेस्ट रूम पर ही मैंने यहाँ पर दे रखा है बेडरूम और ये छत। तो ये पूरा आपका ओवरऑल 32x42 फुट पर प्लान बनकर रेडी हो जाता है। हमारा जो टारगेट था, जो हमारे ऑडियंस थे जिन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किया था, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हुआ यह मकान 32x42 में बनकर आपके सामने रेडी हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये मॉडल अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारी पेड सर्विस का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वो व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें कॉन्टेक्ट करें, मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट को समझ करके आपके अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करता हूँ। लेकिन वहाँ पर पेमेंट आपको 50% एडवांस देना होता है, 50% बाद में, इसका आप विशेष ध्यान रखें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।